टीवी 30 न्यूज में आज देखिए, दूषित पानी पिलाकर लोगों की सेहत से किया जा रहा है खिलवाड़। बिना एक्सपायरी डेट के बेचे जा रहे पानी के पाउच, सीएमएचओ ने टीम गठित कर दिया कार्रवाई का आश्वासन। स्वागत है आपका, मैं तनु भदौरिया, कवर स्टोरी में दिखाएंगे। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई नेशनल हॉस्पिटल रीवा। विंध्य क्षेत्र में पहली बार कैंसर का संपूर्ण इलाज अब आयुष्मान कार्ड द्वारा कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी एवं पथरी का दूरबीन इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। कवरेज करने के बाद पत्रकार को मिली धमकी। रीवा का नामचीन भगवान सीत भंडार के संचालक द्वारा दी जा रही है धमकी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां इन दिनों घटिया स्तर का पानी बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिला प्रशासन कार्यवाही करने के बजाय दे रहा संरक्षण। आपको बता दें, शहर में संचालित भगवान सीत भंडार का कारोबार समूचे शहर में छोटी दुकानों से लेकर बड़ी दुकानों तक, प्राइवेट से लेकर सरकारी दफ्तरों तक फैला हुआ है। बावजूद इसके भगवान सीत भंडार द्वारा पानी के पाउच के ऊपर किसी भी प्रकार के एक्सपायरी डेट प्रिंट नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, इनके द्वारा किए जा रहे कृत्य का खुलासा करने के लिए पत्रकार जब भगवान सीत भंडार कवरेज के लिए पहुंचे तो फैक्ट्री के संचालक ने पत्रकारों को ही धमकी दे डाली कि तुम लोगों को जेल में बंद करवा देंगे, और फोन पर धमकी देने का ऑडियो पत्रकार द्वारा रिकॉर्ड कर लिया। पहले सुनिए इस मामले को लेकर सीएमएचओ संजीव शुक्ला का क्या कहना है। पानी बना है और बड़ी मात्रा में बारातों में भी सप्लाई हो रहा है, उस संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी ये जितने भी इस तरह से जो डिस्पोजेबल पाउच में और बोतलों में पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, जो ये एजेंसी हैं या कंपनी जो इसका निर्माण कर रही हैं, उनकी हमने समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो हैं उनको निर्देश दे दिए हैं कि इनकी सबकी आप मौके पे जाके जांच करें और उनके सैंपलिंग करें, और जो जिनका जो ये पानी अशुद्ध पाया जाता है या कि स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। ये हमने उनको निर्देशित किया है, आज ही किया है, और शीघ्र इसमें ये इस माह में सभी जितने भी तरह के जो ये पानी का जो निर्माण कर रहे हैं डिस्पोजेबल, इनके खिलाफ जाँच करके कार्रवाई करेंगे इस महीने अप्रैल में। अब सुनिए संचालक द्वारा किस प्रकार पत्रकार को धमकी दी जा रही है। इसका जवाब दो, बस हो गया। जहाँ बोलिए वहाँ, जहाँ बोलिए वहाँ जाता हूँ ना। जहाँ बोलो कहाँ मिलोगे, मैं आता हूँ। अरे आप बताइए ना, मैं आ जाता हूँ। अरे तुम बताओ मुझे कहाँ मिलना है, बताओ। मैं अभी तुम्हारे बारे में कम्प्लेन करता हूँ तुमको कि तुम बहुत इंटरव्यू लेना है ना मेरा है? तुमको बहुत इंटरव्यू लेना है ना मेरा, मैं कंप्लेन करता हूँ थाने में जाके भी देखता हूँ कंप्लेन कैसे। वो तो ठीक है, आप कर दीजिए, अच्छी बात। अरे मैं करूँ, मैं देखता हूँ, तुम चाहे जो करना करो, मैं करने जा रहा हूँ। हाँ, अच्छी बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।